हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कंबोज ने कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्प्रिंग फेस्टिवल में पहली बार ओपन चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कोई भी खिलाड़ी अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने कहा कि 29 और 30 अप्रैल को ढालपुर बॉयज स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को कैश प्राइज दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं नगर परिषद का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस बार जो है शतरंज प्रतियोगिता जो हमारी नगर परिषद में खेले होती है उसमें इसको शामिल किया गया है। और यह हमारा काफ़ी समय से प्रयास रहा था कि कोई वक्त होगा जब हम अपने इस मेले में, राज्य स्तरीय मेले में शतरंज को हम करवाएंगे, और आज ये स्वप्न जो पूरा हुआ है। और इसके लिए मैं और मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम है, चाहे जिला की है चाहे हिमाचल प्रदेश की है, उसका बहुत सहयोग रहा हुआ है। और जो ये प्रतियोगिता है, ये लगभग दो हमारा जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स, ये ओपन टूर्नामेंट है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन इसकी ऑनलाइन है, अप्लाई आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। और साथ में आपको ये जानकर जो हमारा स्कूल जो है हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें ये प्रतियोगिता 29 और 30 तारीख को करवाई जा रही है। ये 3 प्राइजेज है, अभी शुरुआत है हमारी, ये इस प्रतियोगिता की पहला टूर्नामेंट हो रहा है ये, और ये ओपन टूर्नामेंट है। और इसमें कैश प्राइजेज, फर्स्ट जो टॉप 3 प्लेयर्स होंगे उनको कैश प्राइजेज मिलेंगे, और साथ में देखेंगे बच्चों को, जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको, या जो कुछ दो तीन प्राइजेस अलग से भी दिए जाएंगे इनको। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।